फैमिली वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है ब्लॉग पार्ट टू, जो कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग अपलोड कर चुका है। तो अब स्टार्ट हो रहा है मेरा ब्लॉग पार्ट टू। नंदगांव हम लोग घूम चुके हैं और अब चलेंगे गोवर्धन पर्वत। चलिए वहाँ की परिक्रमा लगाएंगे। अब हमारी परिक्रमा स्टार्ट होती है गोवर्धन पर्वत की। पहले हम जा रहे हैं गिरिराज जी के मंदिर। ये है शमशान भूमि प्रथम सरोवर। हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, सीधे चलेंगे। काफी अच्छा दृश्य है। तो चलिए हम गोवर्धन महाराज की दर्शन करते हैं। हम लोग मानसी गंगा मंदिर आ गए हैं। ये रही माँ गंगा, गंगा नदी। अब हम जा रहे हैं मुथरी का लौटा राजस्थान बॉर्डर। ये रहा सामने गोवर्धन पर्वत। इसी कोई कृष्ण भगवान जी अपने छिंगे से उठाए थे। फिलहाल राजस्थान सीमा के अंदर है हम लोग। ये 1 किलोमीटर का रास्ता है, फिर 1 किलोमीटर बाद राजस्थान बॉर्डर खत्म, यूपी बॉर्डर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग राजस्थान की मंदिर में है। ये है पूंछरी का लौठरा। तो हाँ, हमें राजस्थान मंदिर के भी दर्शन हो गए हैं। इस मंदिर के चारों साइड गोबर से स्वास्तिक बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, जो गोबर है और चारों साइड स्वास्तिक बनाया गया है। तो अब हम चल रहे हैं गिरिराज जी मुखार मंदिर। चलो, इधर ये लस्सी मार्केट है। हर जगह यहाँ लस्सी मिलती है। श्री गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर। हमने भी गोवर्धन पर्वत की पूजा की। और हाँ, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो अब हम सीधा चलेंगे होटल जहाँ से हम आए थे। ये रंगनी महल है। Thank you.
तो हाँ, अभी फिलहाल हम लोग लॉज में ही हैं और यहीं का खाना खा रहे हैं। सभी कोई बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी खाना आ रहा है। हमारा खाना आ चुका है, पनीर की सब्जी, दाल, दही, रोटी और सैलड। तो आज हम काफी ज्यादा थक चुके हैं और आज का मेरा ये सेकंड ब्लॉग था। तो अब हमें दोनों ब्लॉग की आज ही एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो कैसा लगा आपको जो मेरा ब्लॉग, कमेंट से जरूर बताइएगा और राधे राधे जरूर लिखिएगा। हाँ, अब हम आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।